फातिमा की रानी माँ प्रभु यीशु की माँ आसरा तू ही है माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, 5 सितंबर हम देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम लोग संत मदर तेरेसा को याद करते हैं और उनका पर्व मनाते हैं। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में उत्तरी मासिडोनिया के स्कोपजे नामक जगह पर हुआ। उनके माता पिता के 3 बच्चे थे, यह तीसरी बच्ची है और उनका बपतिस्मा का नाम अग्नेस था। बचपन से ही उनके पिताजी चले गए, स्वर्गवासी हो गए और उन्होंने जवानी में अपनी बुलाहट पहचान ली। ईश्वर एक धर्मसंगी जीवन के लिए उनको बुला रहा है। तो वे लोरेटो धर्म समाज में चली गई और 1928 में वे हिंदुस्तान के कोलकाता में कार्य करने आई। उस समय उनका नाम सिस्टर मेरी तेरेसा था और उन्होंने 10 सितंबर 1946 को उन्होंने पहचान लिया कि उनकी बुलाहट गरीबों में, सबसे गरीबों के बीच रहकर उनकी सेवा करनी है। इसलिए उन्होंने उस धर्म समाज को छोड़कर एक साधारण बंगाली महिला के समान कपड़ा पहनकर, वस्त्र पहनकर वह निकल पड़ी। कहा जाता है जब वह लोरेटो कॉन्वेंट छोड़कर निकली तो उनके हाथ में 5 रुपये से कम थे और उन्होंने उस पैसा को गरीबों के लिए खर्च किया। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक धर्म संघ की स्थापना की। उन्होंने गरीबों के लिए, कोढ़ियों के लिए, अनाथ बाल बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए संस्थाएं खोली। उनसे प्रेरणा पाकर हजारों की संख्या में युवतियां उनके धर्म संघ में आने लगी और उन्होंने कई प्रकार के धर्म संघों की स्थापना की। उनकी सेवा से प्रभावित होकर बहुत सारे पुरस्कारों की गिनती करेंगे, बहुत समय लगेगा। हम लोग पढ़ते हैं 1979 में उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से विभूषित किया और उन्होंने ये सब प्रभु के लिए अर्पित किया, समाज के लिए अर्पित किया। और उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई और उनको संत पापा योहन पौलुस ने 19 अक्टूबर 2003 में धन्य घोषित किया और 4 सितंबर 2016 को उनको संत घोषित किया, संत पापा फ्रांसिस ने। और वेटिकन ने घोषणा की कि वे युवा दल के जो वार्षिक सम्मेलन है उसके मध्यस्थता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मध्यस्थता है और कोलकाता के महाधर्म प्रांत की मध्यस्थता है। इस महान संत के बारे में जब हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, फोटो सब देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। शायद कई लोगों ने उनको आमने सामने देखा है। मेरा एक दो अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब हम लोग कॉलेज कर रहे थे, शायद 1978 की बात है, तो जब हम लोग जयपुर में कॉलेज कर रहे थे तो उस समय जयपुर एक छोटा शहर था। मदर तेरेसा वहाँ पहुँची तो करीब 40,000 लोग जुट गए। साहब उनसे
मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो उनमें से कई लोगों ने आग्रह किया, मदर हमारे यहाँ भी एक कॉन्वेंट खोलिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, हम मदद करेंगे। कुछ ही महीनों के अंदर वहाँ एक कॉन्वेंट खोल दिया गया। फिर हम लोग जब दिल्ली में पढ़ रहे थे 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद भयंकर दंगा फसाद हुआ, बहुत सारे सिख भाई बहन मारे गए और हम लोग कुछ नहीं कर सके, बाहर नहीं निकल सके। एक दो दिन के अंदर वहाँ शूट एट साइट देखते ही गोली मारने का के आदेश हो गया, कर्फ्यू हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उस समय सुना है कि मदर तेरेसा विदेश जाने के लिए दिल्ली पहुंच रही है, तो हमारे साथ एक फादर, एक थियोलॉजी प्रोफेसर मदर तेरेसा से परिचित थे, उन्होंने मदर से मिला और बताया, मदर आप विदेश मत जाइए, स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने जाकर यहाँ वहाँ देखा तो भयंकर स्थिति थी, कहा जाता है वे रो पड़ी। उन्होंने अपील की फौज के ऑफिसर लोगों से कि हम लोग राहत शुरू करना चाहते हैं। तब हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग एक शांति जुलूस शुरू करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आप उसकी अगुवाई कीजिए। तो उनका कहना था हमारे नियम के अनुसार हम लोग जुलूस में शामिल नहीं हो सकते, अगुवाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और रातों रात हम लोगों ने प्लाकार्ड बनाया, फोन किया दोस्त मित्रों से, प्रोफेसर लोगों से, छात्रों से संपर्क किया और मदर के प्रार्थना से हमको अनुमति मिली जुलूस निकालने के लिए। और जब यूनिवर्सिटी के कॉलेज के सामने जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की, हमारे साथ 200-300 लोग थे और जैसे जैसे प्रार्थना समाप्त होगी तो संख्या बढ़ने लगी। जैसे हम लोग बाहर आए तो सब धर्म के लोग हमारे साथ जुटने लगे, हमारे आगे पीछे सब बहुत बड़े टैंक, फौज के गाड़ी की गाड़ियाँ और सैनिक सब। हम लोग डरते कांपते हुए उनके बीच में हम लोग जुलूस निकालते गए। उस दिन मैंने अनुभव किया इतनी छोटी एक महिला इसमें इतनी ताकत, इतनी कृपा है, यह प्रभु की बड़ी कृपा है। कहा जाता है कि मदर तेरेसा जब अपने कॉन्वेंट छोड़कर निकली तो उनकी जेब में मात्र 5 रुपये थे या उससे कम, लेकिन जब वे मरी 87 साल की उम्र में तो 130 देशों में 3000 सिस्टरें काम कर रही थी। मैंने बताया जयपुर में कॉन्वेंट खोल दिया गया 3 साल पहले, एक महिला फ़ोन करके बोलती है कि मेरे हस्बैंड पियकड़ है, सब बर्बाद कर देते हैं, 2 बच्चे हैं। तो मदर तेरेसा की सिस्टर सुपीरियर कहती है तुम्हारे जैसे कई महिलाएं हैं, कई बनिया लोग, कई व्यापारी लोग हमको सामान देते हैं, इसलिए हर सप्ताह तुमको चावल और दाल मैं दूंगी। तो मैं सोच रहा था 1978 से तब अब तक जयपुर में सिस्टर लोगों ने कितने सामान बांटे। और उसी तरह 123 देशों में 3000 सिस्टरें बांटती जाती हैं। अभी सुना है करीब 4500 सिस्टरें उसे ज़्यादा देशों में कार्यरत हैं। ईश्वर ने उस 5 रुपये को बढ़ाया। याद रखे प्रभु यीशु ने 5 रोटियों को 2 मछलियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को, उससे ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को खिलाया। तो मदर तेरेसा हमको सिखाती है कि देने से बढ़ता जाता है, देने से कृपा बढ़ती है। वर्तमान परिस्थिति में संत मदर तेरेसा हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले हमें आतंकवाद से संघर्ष करना होगा। हम देखते हैं बहुत सारे धर्म के लोग या राष्ट्र के नेतागण
आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद का प्रोत्साहन देते हैं। 50 साल पहले जो वातावरण था अब नहीं है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। कई संचार माध्यम बिक चुके हैं, बहुत सारे नेतागण चुप हैं। मदर ने सबों को प्यार किया, सबों को ईश्वर की संतान की दृष्टि से यीशु के समान देखकर प्यार किया। इसलिए हमें आतंकवाद के विरुद्ध जुटाना है, लोगों को प्यार करना है, सेवा करनी है। संत मदर तेरेसा की आत्मिक शक्ति का मूल स्रोत मिसा बलिदान, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना, बाइबल का पाठ और अन्य प्रार्थनाएं थी। हर संकट में वे प्रभु पर भरोसा रखती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी। तो इस वर्तमान संकट में महामारी हो या आतंकवाद हो या कोई भी समस्या हो, हम विश्वासीगण मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण कर और परम प्रसाद की आराधना करें, साथ साथ अन्य प्रार्थनाएं, उपवास प्रार्थनाएं करें। हम लोग कलीसिया के इतिहास को देखेंगे, इसी तरह के संकट के समय विश्वासियों ने दिल खोलकर उपवास विनती कर सामना किया, समस्याओं का सामना किया, प्रभु ने उनको विजय दिलाई है। आज ऐसी एक परिस्थिति है जहां हम लोगों को मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेना है, परम प्रसाद की आराधना करनी है, बाइबल का पाठ होना है और अन्य प्रार्थनाएं कर हम लोग आगे बढ़ सके। दूसरा है कि मैंने सुना है एक बार हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने पूछा, मदर आप कितने सफल है अपने कार्यक्षेत्र में? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, सर हम लोग सफलता नहीं खोजती हैं, हम लोग ईमानदार रहना चाहती हैं। जिस प्रभु ने उनको बुलाया उन प्रभु के प्रति ईमानदार थी। इसलिए देखिए, करीब 87 साल की वह मदर मर गई, उनके दाह संस्कार में करीब 87 देशों के नेतागण जुट गए कोलकाता में। गांधी जी को जो शव मंच दिया गया था, उसी शव मंच पर मदर को के शरीर को रखकर उनकी अंतिम विदाई हुई। सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए खड़े थे, और जैसे क्रिकेट के कमेंट्री चलती है उसी तरह रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा उनके जो कार्यक्रम का प्रक्षेपण हुआ। और उन दिनों मैं एक छोटे चर्च में था बिहार के गांवों में, और आसपास के सभी लोग जहां बिजली नहीं है जनरेटर चलाकर टेलीविजन में यह संस्कार सब देख लिया। पहली बार उन्होंने प्रभु यीशु का नाम सुना, क्रूस को देखा। मदर प्रभु के प्रति, लोगों के प्रति ईमानदार थी। इसलिए हम याद रखें कि यदि हम लोग प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, निस्वार्थ सेवा करें, प्रभु यीशु हमको भी कहेंगे, शाबाश मेरे ईमानदार सेवक, तुम थोड़ी में ईमानदार रहे हो, इसलिए मैं तुमको बहुतों में नियुक्त करूंगा। इसके अलावा हम जरूर जानते हैं कि हम लोगों को दीन दुखियों की सेवा करनी है, दूसरों को प्यार करना है। हमारे दिल में किसी के प्रति विद्वेष, मनमुटाव यह सब नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को
संत मदर तेरेसा का मनोभाव मिले। हे अब्बा पिता, हे प्रभु येसु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने इस आधुनिक युग में हमारे सामने ही एक महान संत संत मदर तेरेसा को हमारे सामने पेश किया है। यह तेरी बड़ी कृपा है। तूने जो कृपा उनको दी है, उन कृपाओं के अनुसार उन्होंने ईमानदारी से काम किया, हमें सिखाया कैसे दीन दुखियों को प्यार करना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है। हमारी नम्र प्रार्थना है कि इस आधुनिक युग में लोग आतंकवाद से दूर रहें, प्रभु के प्रति ईमानदार रहें। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन।